हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन एट होम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कूलर के ही बारे में बताऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो कूलर पे बनाई थी जिस पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और उसे 20,000 व्यू भी मिले, 20,000+ व्यू मिले और आप लोगों ने उसे काफ़ी लाइक भी किया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कूलर के कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं जिसके 4 वायर होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल कूलर जिसमें एग्जॉस्ट की मोटर लगी हुई है उसको हम 1 घंटे चलाने पर या उससे ज़्यादा चलाने पर कितना इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करती है और कितना बिल उसका आता है, वो मैं आपको एक लाइव डेमो में दिखाऊंगा। और आई होप ये आपको अच्छी लगेगी वीडियो और आप खुद भी अपने घर पे उस हिसाब से कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कितना बिल अगर आप पूरा कूलर 24 घंटे या 12 घंटे चलाते हैं या 8 घंटे चलाते हैं तो आप खुद उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कितना बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और उसका कितना बिल आएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको ये लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए, एक सबमीटर है और जिसकी रीडिंग आप अभी नोट कर लीजिए। देखिए, 11,199.8 जो अभी इसकी रीडिंग है। और अभी मैं इसके कनेक्शन करके आपको बताता हूँ, कनेक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 1 घंटे के अंदर कितनी यूनिट कंजप्शन करता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको सब मीटर के कनेक्शन करना नहीं आते हैं तो मेरे चैनल पे इसकी एक अलग से वीडियो है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे एक सब मीटर के कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, घड़ी में अभी टाइम हुआ 6:15। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने अभी इसके कनेक्शन कर दिए हैं और इसके मैंने रीडिंग का जो भी फ़ोटो अभी मैंने क्लिक कर लिया है कैमरे में अपने मोबाइल से। और मैं अभी आपको ये कूलर चलाकर 1 घंटे बाद आपको फिर दिखाऊंगा कि इसकी रीडिंग कितनी कंज्यूम हुई। तो देखिए दोस्तों, ये कूलर अभी चालू हो गया है हमारा। ये देखिए, कॉल की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो दोस्तों, आफ्टर 1 आवर्स आप देख सकते हैं जो हमारी मीटर की यूनिट आई है, ये रीडिंग आई है वो है 11,200.1। और जब हमने 1 घंटे पहले मीटर स्टार्ट किया था तब इसकी रीडिंग थी दोस्तों 11,199.8। तो हमारा जो टोटल कंजप्शन हुआ 1 घंटे में कूलर चलाने पे वो हुई हमारी 0.3 यूनिट। और जो मेरी सिटी में चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो करते हैं 3 रुपये पर यूनिट। तो इसका मतलब है कि जो 1 घंटे में मैंने कूलर चलाया उसका कॉस्ट मुझे पड़ेगा 75 से 80 पैसे पर घंटे। और इससे आप अपनी सिटी का भी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या यूनिट पर यूनिट चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी सिटी का भी निकाल सकते हैं 1 घंटे में आपका कूलर कितना यूनिट कंज्यूम करेगा और कितना आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो प्रैक्टिकल हमने किया वो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।